आप पहले राम राम लिखते थे, राधे श्याम लिखते थे, सीताराम लिखते थे, हनुमान जी नीचे उतरे, दरवाजे पर राम राम लिखा हुआ देखा, समझ गए ये तो किसी राम जी के भगत का घर है। महात्माओं को भक्त पहचानने में देर नहीं लगती, महात्मा कुछ और पहचानने में देर भले कर दे लेकिन भक्त पहचानने में देर करते। ध्यान दे, हनुमान जी ने देखा कि घर तो किसी भक्त का है लेकिन बंदर बन करके सुबेरे सुबेरे उसके घर जाऊंगा तो बंदर को देख करके तो उसका मन ही खराब हो जाए। हनुमान जी ने क्या किया, भेद बदल दिए। हनुमान जी ने क्या किया, संत बन गए। देखो ये भी बड़ी गजब की बात याद आ गई, संत होने में तकलीफ है, संत बनने में कोई तकलीफ नहीं। लोग कहते हैं कि संत बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, संत होना मुश्किल है, संत बनना बिल्कुल भी मुश्किल है। संत बनने के लिए तो 2 रुपए का रंग लगता है, 2 रुपए का रंग लाओ कपड़े में लगाओ बन गए, तो बनने में तकलीफ नहीं, संत तो होने में तकलीफ है। भीतर से संत होना चाहिए, बाहर से हम संत हैं कि नहीं इसका कोई मतलब नहीं। हनुमान जी ने साधु वेश धारण किया और विभीषण जी के दरवाजे पर दस्तक दिया। विभीषण जी ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर संत दिख गए। दरवाजे पर कौन दिख गए बोलो? अब विभीषण जी पहचान गए कि मेरे दरवाजे पर सिवाय हनुमान जी के कोई और आ नहीं सकता। चरणों में गिर गए विभीषण जी और हाथ जोड़ करके कहते हैं, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे भरोसा हो गया है। हनुमान जी ने पूछा, क्या भरोसा हो गया है? कि अब मुझे राम मिलने वाले हैं, अब मुझे। हनुमान जी ने पूछा, वो कैसे? विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी जब राम कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं और जब संत कृपा करते हैं तो राम मिलते हैं। ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। बिना राम की कृपा के संत नहीं मिलते और बिना संत की कृपा के राम नहीं मिलते। महाराज के जीवन का सिद्धांत है, दरवाजे पर संत आए, नई नई दुल्हन की महीना बरसाती को हुआ था, नारायण आई भिक्षा मांगी, महात्मा ने भोजन मांगा, वो नई नई जो बहू आई थी 4 रोटी गरम गरम बना कर के लाई, ऊपर सब्जी रखी और महात्मा जी को भोजन। इस जगत में 2 काम बड़े गजब के, लेने के लिए हरि का दान और देने के लिए अन्न का दान। लेने के लिए हरि का और देने के लिए अन्न का दान बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराज गौर कर, आपने कभी महाभारत पढ़ी? महाभारत बोलो? नहीं, टेलीविजन में तो देखी होगी। महाभारत में एक पात्र है जिसका नाम है दानवीर कर्ण। नाम क्या है? महाभारत में लिखा कि देवराज इंद्र उसके स्वागत के लिए आया दरवाजे पर और स्वर्ग में अपने सिंहासन के ऊपर कर्ण को बिठाया, बड़ी सेवा की, बहुत बढ़िया महल चौहारे बना करके दिए, नाव पर चाकर दास दासियां हीरे मोती जवाहरात के अंबार लगा। 10 दिन बीत गए कर्ण को स्वर्ग में, कितने दिन बीत गए? अब कर्ण स्वर्ग में तो है, बढ़िया सेवा, लेकिन 10 दिन में एक बार भी भोजन नहीं आया। 10 दिन में एक बार भी बोलो? इंद्र ने पूछा, महाराज कोई कमी तो नहीं? कर्ण बोला, महाराज बाकी तो सब कुछ है पर आज 10 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। इंद्र ने कहा, महाराज माफ करना, क्षमा करना, आपको भोजन मिलने वाला भी। कर्ण ने पूछा, वो क्यों? बोले, महाराज आपने हीरे मोतियों का दान किया है, जो नीचे दान करके आओ ऊपर वही मिलता है, आपने अन्न का कभी दान किया? अन्न का दान किया होता तो यहाँ अन्न मिलता, आपने हीरे मोती दान किए, हीरे मोती जितने चाहिए ले लो। अब कर्ण ने रोना शुरू कर दिया, भूख के मारे बिलखने लगा, रोना शुरू कर दिया। इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज क्षमा करना लेकिन आप यहाँ पर रो नहीं सकते, रो नहीं सकते। कर्ण ने पूछा, वो क्यों? बोले, महाराज ये स्वर्ग है, अगर स्वर्ग में ही लोग रोने लग गए फिर धरती में और स्वर्ग में फर्क क्या रह जाएगा? अगर स्वर्ग में भी रोना पड़